हरे कृष्णा भक्तों, आज हम ठाकुर जी के लिए पिस्ता शेल्स की हेल्प से एक पीकॉक बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा ये क्ले। आज हम ठाकुर जी के साख्य भाव में उनकी सेवा के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साख्य रस में भी भगवान की सेवा का भाव छुपा होता है। भगवान के शुद्ध भक्त जैसे वृंदावन के ग्वाल सखा भगवान की साख्य भाव में उन्हें आनंद प्रदान करके उनकी सेवा करते हैं। ये वृंदावन के भक्त कोई साधारण जीव नहीं है। इन्होंने कठिन तपस्या करके परम भगवान को अपने मित्र के रूप में पाया है। ये भक्त कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हैं और इस दिव्य रस में वे निर्भय रहकर भगवान पर पूर्ण रूपेण आश्रित और उन पर प्रतीति रखते हैं। अब हमने ये कार्डबोर्ड सर्कल लिया है और अब हम इसमें इस क्ले को पेस्ट करेंगे। इसके अलावा अर्जुन, सुदामा आदि शुद्ध भक्त भी परम भगवान की साख्य भाव में सेवा करते हैं। अब हम पिस्ता शेल्स को पेस्ट करेंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुहृदं सर्वभूतानां। भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवों के परम हितैषी हैं। वे सदैव हमारा अच्छा ही चाहते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करके वे जीवों को अपने धाम वापस बुलाने के लिए आतुर करते हैं। तो देखिए भक्तों, हमारा फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें इसी तरह से सेकेंड और थर्ड लेयर भी पिस्ता शेल्स के लगा लेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, हमें उनकी भक्ति करना सिखाया है। स्वयं श्री भगवान के उपदेशों का अनुसरण करके हम जैसे बद जीव भी भगवान के इन दिव्य रसों में सेवा करने के पात्र बन पाएंगे। तो देखिए भक्तों, हमारा ये पिकॉक रेडी हो गया है। अब हम इसमें वाटर कलर कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, हमने इसे डेकोरेट कर लिया है। हमने गोल्डन ग्लिटर लगाया है और इसके आईज भी बनाए हैं। आप भी इसी तरह से अपने पिकॉक को डेकोरेट कर लीजिए। हमने पीछे स्टैंड भी लगाया है। तो भक्तों, आप भी अपने ठाकुर जी के लिए ऐसा ही कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाइए। यदि कोई कृष्ण को अपना सर्वोपरि सखा मान लेता है तो उसके लिए भौतिक मैत्री निरर्थक हो जाएगी और उसे संसारी झगड़ालुओं की तथाकथित मैत्री से निराश नहीं होना पड़ेगा। केवल कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जीवन की परम पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा।